प्रणाम भाई चुनू मुनू। आज मैं तेरे खातिर ले आया हूँ भाई SCRT कक्षा चौथी, विषय है गणित और हमारा चैप्टर अध्याय भी चल रहा है चौथा, भाग दो, वस्तुएं कुछ ऐसे दिखती हैं। और भाग एक में हमने कराया था भाई चुनू मुनू घन का बारे में, घनाभ के बारे में, गोलाकार वस्तुओं के बारे में, शंकु के बारे में। और आशा करते हैं कि वो सारी चीजें तुम्हारे समझ में भी आ गई होंगी। एक एक चीज मैं तुमने दिखाना चाहूंगा। ये हमारी गोलाकार चीज है, जैसे इसे तरिया गेंद हुआ है, लड्डू रसगुल्ला हुआ है, या फिर अपना जो अनार हुआ है, सेब हुआ है, तो ये गोलाकार चीज है और ग्लोब है। और एक है भाई अपने घन के रूप में, जैसे पासा हुआ ऐसा अपना, या फिर साबण हुआ कपड़े धोने की एक सियारसी हो जाए है, या फिर अपना बेलनाकार हुआ है भाई, ये बेलन के रूप में हो गया जिसमें ऊंचाई भी हो सै, तल ऊपर वृत्ताकार हुआ सै, तो ये बेलन का रूप में आ गया। एक बताया था भाई घनाभ के रूप में, जिसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग हुआ सै। तो आपने भाग एक में ये सारी चीज करी थी। तो भाई प्यारे चुनू मुनुओ, ये बापे भाग दो में करांगे, आओ बनाए पासा। तो पासा बनाने दो ने या छोरी के बोली। देखो सुमित, मैंने नए जूते पहन लिए हैं। नए जूते पहन लिए इसने, ओके बोले इसका भाई। फिर दीदी क्या मैं इस खाली डिब्बे को ले लूं? तो ये ने कहा है हाँ हाँ ले लो। तो यो दे दिया भाई इसने खुश होकर। ना अपने भी चीज अपने भाई तय बहन तय दे देनी चाहिए कोई भी चीज हो। तो प्यारे चुनू मुनुओ, ये खाली डिब्बा इसका भाई तय दे वैसे है। आगे के करे फिर सुमित जूतों के खाली डिब्बे से खेलने लगा। उसने डिब्बे को अलग अलग ढंग से फर्श पर रखा और चौक से सतहों की आकृतियां बनाने लगा। देखो कैसी कैसी आकृतियां बनी है। सुमित ने सोचा क्यों न इसे खोल कर देखा जाए। तो उसने डिब्बे को खोल दिया। तो भाई वो फर्श के ऊपर चुगुरदा फेर के नया आकृति बनाने लग गया। तो भाई यह आकृति जो है, या नीचे फर्श पर इसकी तली वाली आकृति है एक तरह से, यह तली वाली आकृति होगी। अरे यह न्यूदर दी और चुगुरदा इसके पेंसिल फेर दी। और इसे तरिया यह इसकी चौड़ाई वाली आकृति है भाई, ए यह इसकी चौड़ाई वाली आकृति होगी। और चुगर दे इसका पेंसिल फेर दी न्यू दर्कन है। समझ में आवा भाई न्यू है। हाँ जी। और यह है इसकी भाई सामने वाली जो ऊंचाई वाली आकृति है, और इसको ऐसे दर्कन है। और चुगर दे पेंसिल फेर दी फर्श के ऊपर है, हो गया भाई यू अलग अलग आकृतियों का। तो आगे के एक वह है फिर सुमित। दीदी देखो यह डिब्बा खुलकर कैसा लग रहा है। तो ये डब्बा खुल कर कैसा लग गया, इसे तरिया पे इस डिब्बे ने खोल लिया भाई। ए लई जूतियां का डब्बा था रे, यू खोल दिया का फोन का डब्बा है। हाँ यू फोन का है, वो जूतियां का था जो यू तो भाई। हाँ यू तो भाई V1520 कोई फोन का डब्बा सा है। और भाई यू डब्बा अपने खोल लिया तो ये परत बन गई इसकी। यो तो था ऊपर उठा उड़ा इस तरिया ऊपर था, यू साइड में खड़िया था, यू तला पड़िया उड़ा परत होगी, अरे या साइड की होगी, अरे या साइड की होगी, उल्टा डब्बा बंद बन गया। यू अपना खोलांगे तो या साइड की नुन्ने गेट दो, इस पर 6 नंबर से यू 5 नंबर हो गया। और भाई नू खोलांगे तो यू 1 नंबर है जो ऊपर था, और यू 2 नंबर जो खड़िया था, यू तले पड़िया था, और यू 4 नंबर हो गया। यू पासा तो बन जाएगा, लेकिन पासा नहीं कह सकते उसने, क्योंकि पासा में तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होया करें से। यू अपना घनाभ बनेगा, ऊ पासा का भाई ये बन जाएगा एक किस्म का यू। तो उसने डब्बा खोल दिया तो इस तरह का डब्बा बना दिया भाई। यार वो डब्बा उरे दे रखा है जो इसका मैं फसन के यार डब्बा ना मजबूत बनाने खातर है, वो मैंने पहले ही काट दिए। और ये नुकवा है या छोरी, वाह आओ इसके फालतू हिस्सों को काटे। तो दीदी ये कवा है फिर सुमित। दीदी इससे तो 6 आयताकार आकृतियां बन गई है। इसका मतलब है यह डिब्बा 6 आयताकार आकृतियों से बना है। 6 आयताकार आकृतियां बन गई भाई, तारे शामी देख लो। ए ये भी आयताकार है एक तरह से, ये नंबर 2 की आयताकार होगी, नंबर 3 पहिया होगी, नंबर 4 आयत ही हो गया, नंबर 5 आयत ही हो गया, नंबर 6 आयत है यो गया। और चे इसने न्यू मिला दिया, न्यू मिला दिया, न्यू खड़िया कर दिया, न्यू खड़िया करता, और ऊपर तक चेप दे, यू बन गया भाई अपना डब्बा डब्बा गनाब के रूप में, ठीक है नी। हाँ जी। तो
आज गए पेज पर चलो भाई डंकम डांक हो रहे हो तो तमे तो भाई जमाने आज के खा का रहे हो ऐसा बादाम खाए थे के काजू बादाम है दूधू राजा भी पी लिया करो टिंडी टांडी में भी मार लिया करो थोड़ा बहुत मोर्चा। कौन कौन से डब्बे इस प्रकार खोले जा सकते हैं जैसे मिठाई का डब्बा खोलिया जा सकता है भाई जूते का डब्बा और भाई फोन का डिब्बा और क्या का खोल सका है चाक का डब्बा भी खोल सका और भी बतेरे डिब्बे हो सब आप ले आवा जो बाहर बाजार में इस तरह खोल सका हाँ माचिस की डिब्बिया भी नहीं है खोल देंगे वो भी गनाब का रूप में वैसा है। क्या आपने भी कभी कोई डिब्बा खोल कर देखा है आओ आज एक चौक का डिब्बा खोल कर देखते हैं। क्या चौक का डिब्बा खोलने से सभी सतहें आयताकार दिखती हैं यदि हाँ तो कितनी सतहें आयताकार हैं यदि नहीं तो किस आकृति की हैं। तो वह चौक का डिब्बा सारा तो एक सार वैसा है एक सार होगा तो आयताकार नहीं बनेगा वो तो भाई वो बनेगा वर्गाकार रूप में वर्ग बन जाएंगे सारे क्योंकि सारे एक से ऐसे हैं। मान लिया अपना एक गनाब घन है यू और घन में इसने खोल लेंगे इस परत ने तो भी इतनी है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है इसकी और इसकी भी इतनी है इसकी भी इतनी है इसी तरह चाक का डब्बा खोल लेंगे तो आपे क्या हो जाएगा वो घन यू बंदर नु का वैसे इसमें अगर भाई यदि हमारे पास एक ऐसा कागज हो तो कैसा डिब्बा बनेगा इस तरह का कागज हो तो डिब्बा अपना खुला बनेगा भाई ये तो क्या था खुला बनेगा इसमें ऊपर का ढक्कन का तला का ढक्कन का तो कोई नहीं। मान लिया ये चार परत है ये चार परत ताला यू दिखा रखे न्यू का न्यू तो चार परत में ये साइड की भी तो चाहिए ढक्कन खातर ऊपर नीचे की तो उसमें तो खुला डब्बा बनेगा। क्या आप इस डब्बे में कुछ रख पाओगे गेले में बनाए के दिखा देंगे पिछले चार ए यू देख अरे न्यू डब्बा बनेगा तो इसका मैं क्यों कराऊंगा भाई कि मेरे को नहीं आवे नी ए उरे को गेड़ोगे और पर लकाल ये देख सड़कते ही लगड़ जाएगा ये ले भाई कुछ भी को नहीं आवे इसमें तो सकेल गए ले ला ये देख तो कुल मिलाकर इस डब्बे में हम कुछ भी नहीं रख पाए तो आगे कहवा है भाई यू खरगोश आ गया बिन्नी खरगोश मैं इन दोनों आकृतियों से ऊपर की ओर से खुले हुए डब्बे बना सकता हूँ तो ऊपर की ओर तो खुला डब्बा तो बन जाएगा भाई इनका तो सारे का सही है ए इसने खड़ा कर दो इसने खड़ा कर दो इसने खड़ा कर दो इसने खड़ा कर दो क्या भाई खुला डब्बा समझ में आया हाँ जी। तो इसे तरह माले यू न्यू है कि सबका इसने खड़ा कर दो इसने खड़ा कर दो इसने और इसने ए यू बन गया खुला डब्बा इसी इसने टाल कर दो पांच परत है एक किस्म की ए ये देख पांच परत थी नहीं न्यू इस तरह ए ये देख समझ में आ गया नहीं खुला डब्बा बन गया नहीं अपने देख इसे तरह यू मान लिया इस तक भी खुला डब्बा बन सका है भाई का इस तक खुला डब्बा कैसे बनेगा वो थोड़ा सा आकृति दूसरी बन जाएगी लेकिन ये इस तरह से वो भी आकर आखिरी में ऐसे ही बनेगा क्योंकि ये तो चुगड़ते मिल जाएगा ए यू तो चुगड़ते मिल गया एक किस्म का और यू मान लिया है कोनी अरे यू था ए मान लिया यू था ए ले भाई ए यू बन गया एक तरफ तय बंद है और एक तरफ तय खुला समझ में आया कि नहीं आया रहा हूँ जा गड़ मारू हूँ मैं जी। तो भाई ये खुला डब्बा अपना बन गया ये करते से भी ऐसा करते यो तो खरगोश तो बहुत होशियार लग रहा है भाई। तो प्यारे चुनु मुनुओ आगे है अपना क्या तुम इनसे भी डिब्बा बना सकते हो इनका डिब्बा कुकर बनेगा पांच पर तो होगी लगातार ऊपर तला चढ़ जाएगा ये तो कोनी बनाए और इनकी भी टक्कर बच जाएगी आप श्री में इससे भी कोनी बनाए भाई। तो कि मैं समझ में आ गया होगा खुला डब्बा बंद डिब्बा बनाने का तरीका है तोड़े तोड़े चलो भी पिछले जमा वार होने लग रही से फिर दिन छिपन हो रहा है ले आप वीडियो तो पूरी कराएंगे। गणित की खानेदार कॉपी का एक पेज लो और एक घन बनाने के लिए उसका खाका बनाएं ले भाई गणित की खानेदार कॉपी ले लिया अरे स्त्रियां यू एक पासा बनाने के लिए अपने या घन बनाने के लिए इसका प्रयोग कर लिया दूसरा और करना हो तो मान लिया ए यह तो ले लिया अपने पांच खाने एक खाना यू ले लिया एक खाना यू ले लिया इन्हें आप शरीर में मोड़ मोड़ कर और इसने इसने खड़ा कर देंगे तो यू अपना एक डब्बा बन जाएगा इस टाइप का ए इस तरह से ए ये न्यू का न्यू है एक एक तरह से ए न्यू खड़ा कर लो न्यू खड़ा कर लो न्यू खड़ा कर लो न्यू खड़ा करते हो और न्यू खड़ा यू बन गया डब्बा खा लो भाई रसगुल्ले खा लो सपट सपट खा जो हाँ फोन खा लो भाई एक घनाकार डिब्बा बनाने के लिए छह सतहों की आवश्यकता होती है। तो पहली है भाई अपना घन का रूप में मान लिया जैसे हमारा लंबाई चौड़ाई
ऊंचाई हालांकि इसकी अलग है, ये घनाभ है अपना, लेकिन एक पासे के रूप में लेना चाहें, जैसे एक परत है मान लिया इसकी, अगली बार इस साइड में दो हो गए, इधर तीन हो गए, इधर चार हो गए, ये पांच हो गए, ये छह हो गए, तो ये हमारा इस तरह से हमारा ये घन के रूप में पासे के रूप में है मान लिया। सर जी मेरे पास है पासा, दिखाऊं? दिखाइए बेटा। लो जी। ए ये दे भाई, ये पासा आ गया भाई अपना। इसमें क्या है भाई, मानक पासा में आस पास यानी के विपरीत सतहों का जोड़ सात हुआ है। ए यू एक है तो इसके उल्टी जगह पर छह होना चाहिए, तो एक और छह सात हो गया। यू चार है तो उसकी उल्टी दिशा में तीन होना चाहिए, जो करे उधर है ऊपर चार है तो नीचे तीन होना चाहिए, तो चार और तीन सात है। इस साइड में दो है तो इस साइड में पांच होना चाहिए, ये मानक पासा है भाई अपना। मानक पासा में उल्टी उल्टी परत का जोड़ कितना होगा, सात होगा। तो अपने जो पासा है मान लिया एक बिंदु, दो बिंदु, चार बिंदु, पांच बिंदु, चार बिंदु, तीन बिंदु, तो ये दो बिंदु किसके खिलाफ हो जाएंगे, पांच के खिलाफ है, उल्टे हो जाएंगे पांच के, क्योंकि एक है मान लिया दो बिंदु किसके हो जाएंगे, एक इसका नाम की छूट जाएंगे, तो दो और पांच साइड साइड के हो जाएंगे। और भाई छह बिंदु किसके उल्टे हो जाएंगे, एक के। और यू बंद होगा जब यू तीन बिंदु किसके उल्टे हो जाएंगे, चार का, तो ये मानक पासा बन गया भाई। इस आकृति को मोड़कर एक डाइस बनाया गया है, इनमें से कौन सा चित्र तुम्हें ठीक लगता है, तो सही चित्र कौन सा लग गया भाई, इसमें चार का उल्टा तीन ये तो कौन ही बन सकता, अरे भाई एक का उल्टा एक दो तीन आ गया ये बन सका है। इसमें अब पांच चार दो, पांच का उल्टा दो, इसमें यू से हमें दिखा उल्टा तो कौन होया, यो भी कैंसिल हो गया, यो भी कैंसिल हो गया, तो जो तीसरा नंबर पर है चित्र वो ठीक है। आप भी ऊपर बने हुए इस नेट या जल का प्रयोग करते हुए अपना अपना डाइस बनाए, तो इसे से जल का प्रयोग करें अपने या इस टाइप का प्रयोग कर कना पे स्त्रियों का भय अपना डाइस बना सका है। क्यों कर बनाओगे, जैसे उरे एक लिख दिया, उरे चार लिख दिया, उरे दो लिख दिया, एक चार दो, दो का उल्टा उरे पांच, एक का उल्टा उरे छह, चार का उल्टा उरे तीन हो जाएगा। ले भाई के इसमें भेद पढ़ने हैं, आया समझ में? हाँ जी। इसी तरह यू है मान लिया अपना भाई, एक का उल्टा तीन हो जाएगा, या मानक पासा को नहीं वैसे यू, वैसे ही ये तो एक डब्बा से घन के रूप में, दो का उल्टा चार हो जाएगा, छह का उल्टा पांच, ये अपना जो अपने एक डब्बा बनाया था जैसे बंद का बंद है उस टाइप का पे कर सका है। मान लिया जैसे ये है, ये जरूरी नहीं है भाई मानक पासा हो, जैसे पांच का उल्टा छह हो गया, दो का उल्टा चार हो गया, एक का उल्टा तीन है। अगर है भाई कैसी दिखती खिलौना कार, लक्ष्मी के लिए उसके पिताजी नई खिलौना कार लाए हैं, उसकी छोटी बहन रिया उसे उल्ट पुल्ट कर देखने लगी, तो दीदी देखो यह कार तो हर तरफ से अलग अलग दिखाई देती है, यह खिलौना कार लिया है भाई, या शामी तो देखा है, या साइड तो देखा, कोई शामी तो कोई ऊपर तो देखा है, तो कुल मिलाकर ना जैसे ताला है, बोतल है, या कोई और जैसे फोन वगैरह है, अलग अलग जगह तो देखेंगे यहाँ पे मेज वगैरह ना, तो अलग अलग तरह की दिखाई देवेंगी वह चीज। एक गोल चीज इसी हुआ है, जो गोल चीज चारों ओर से एक सी दिखेगी, बाकी की चीज अलग अलग दिखेंगी, जैसे अपना मान लिया ये मटेरियल से रबड़ है, तो ये चौड़ाई यहाँ से अलग दिखेगी आपको, यहाँ से अलग दिखेगी, यहाँ से अलग दिखेगी, ये सामने से हो गया, ये साइड से हो गया, ये ऊपर से हो गया, तो इस तरह से हमें अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से देख सका सा। आगे कहो भाई हाँ देखो सामने से यह कार है ऐसी लगती है, सामने तो न्यू दिखेगी भैया, लाइट लूट दिखेंगी, सामने तो ये न्यू दिखेगी भैया, और भाई और पीछे से ऐसी लगती है, पीछे वाली लाइट यहाँ होगी भैया, पीछे तो यानी कि परलका सजान लग रही है यानी, और भाई आगे के बोलिया फिर, और दीदी ऊपर से तो यह कार बिल्कुल ही अलग दिखती है, तो भाई ऊपर तो देखते होने मान लिया अपन एक फोन है मान लिया, ए फोन की ऊपर ऊपर तो देखेंगे तो या चीज दिखेगी अपने, या साइड वाली तो कोनी दिखे ना, या दिखे ना, या तरला हिस्सा दिखे, तो मतलब ऊपर ऊपर का तो यू हिस्सा दिखेगा, इसी तरह कार दिखेगी अपने डब्बा के रूप में, ए या एक डब्बा हा बन गया भाई, ऊपर तो देखेंगे तो छत पर चढ़ के इसने देखो, रिया यह बोतल भी हर तरफ से अलग अलग दिखती है, इस तरिया न्यू लटाई उड़ी और डाल की दिखेगी, न्यू खड़ी और डाल की दिखेगी, और जो ऊपर तो देखेंगे तो भाई आप मान लिया ये यू मग्गा है, ये ऊपर तो यू इस टाइप का दिखेगा, साइड तो यू इस डाल का दिखेगा, और नीचे तो यू इस डाल का दिखेगा, कहने का अर्थ के है
विभिन्न प्रकार की चीजें विभिन्न जगहों से अलग अलग तरह से दिखाई दे सके से केवल गोल चीज को छोड़ के कि मैं पल्ला पढ़िया भाई चुन्नू मुन्नू। हाँ जी। फिर अगले पेज पे कहते नहीं चलते अले पुंजड़ी पुंजड़ी रहेगी इस पाठ की। थी पुंजड़ भी देखा इसमें देखे और लिखे कि किस तरफ से देखने पर ये वस्तुएं ऐसी दिखेंगी। तो भाई यू पंखा अपन तड़ाता है पंखा का सीध में नीचे खड़े होकर देखेंगे नहीं तो इसे ऐसा दिखेगा नहीं। हाँ जी। तो ये कहाँ से दिखाई देगा? नीचे से। और यू छत में जो करो चूहा था एक ऊपर चढ़ गया था और उसने ऊपर जाकर ना तड़ा ने देखा तो गुब्बारा का बंट चढ़ गया था एक कहानी से आकर है तो ऊपर तो देखना पे यू छत में यू पंखा नीचे की ओर ईसा दिखाई देगा तो ये ऊपर से हो गया क्योंकि ये छत का हिस्सा हो गया या डंडी तलाने जा रही है और फिर यू पंखा दिखेगा तो ऊपर से देखने पर पंखा ऐसा दिखाई देता है और ये साइड से हो गया भाई एक ओर से साइड से हो गया। जैसे अपना एक ओर से मान लिया ये रबड़ है ये एक ओर से दिख रहा है अपन तो ये अपना एक ओर से हो गया तो ये अपना एक साइड से। इसी तरह भाई यू हाथी है मान लिया हाथी यू कतोड़ तो दिखा रहा है सर जी आगे से या सामने से यू शामी आमो शामी आ गया भाई यू और भाई यू नून जान लग गया तो साइड तो देखा एक मैं तो तरफ से और यू आगे गया परान और अपना इसका पुंजड़ पुंजड़ दिखा सर इसका मुंह मा दिखता है नहीं तो यू पीछे से हो गया भाई। तो कैडल तो चीजा देख कहा साइड से सामने से ऊपर से नीचे से पीछे से ठीक है ना। क्या आप ऐसी किसी वस्तु का नाम बता सकते हैं जो सभी तरफ से एक सी दिखती है? रसगुल्ला खिन्नू गेंद आदि। गेंद है रसगुल्ला है खिन्नू है भाई लड्डू है सेब है संतरा है अनार है तो ये सारी चीजें एक सी दिखे हैं जोर देता है। आप भी कोई वस्तु जैसे किताब पेंसिल पेन गिलास आदि लो वह अलग अलग तरफ से कैसी दिखती है? तो भाई यू अपना चित्र तैर दिया माचिस का। अरे यू माचिस का चित्र ऊपर तो न्यू न्यू दिखेगा बस आपने एक किस्म का यानी कि लंबाई और चौड़ाई दिखेगी बस इसकी ए इस तरह से ए यू यू तैर दिया भाई आपने रबड़ का हो माचिस का हो बात बराबर है बेटा इस तरह से घनाव के रूप में है ये। और ये माचिस का अगर यहाँ से देखेंगे हम साइड से ये भी दिख सका है अपन है ये भी दिख सका ये भी या फिर अपन केवल या देखनी है तो एक परत लंबाई की या दे देंगे यहाँ पे। और ये सामने से देखने पर है सामने से ये दिखेगा अपन ये सामने से चित्र हो गया ये साइड से हो गया साइड की या परत ले हो तो ये साइड की ले लेंगे नहीं तो फिर इस तरह का घनाव के रूप में दिखा सका। और भाई ये ऊपर से हो गया ऊपर वाली में ये जो लंबाई और चौड़ाई ये नहीं दिखाई देंगी ऊंचाई हमारी ये केवल है एक आयताकार रूप में दिखाई देगी। समझ में आया भाई चुन्नू मुन्नुआ? हाँ जी। ले बतायू अपना पार्ट 4 था भाग 2 वस्तुएं कुछ ऐसे दिखती हैं फिर चक्कर मारना है फिर गेड़ा मारियो गोल का पीजो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल ने और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई। इसे तरिया तय पहली तले का 5 मिनट का सारा सिलेबस तारा शामी ठेठ हरियाणा में हरियाणा का एकमात्र चैनल है जो बच्चा ने अपनी मातृभाषा में स्थानीय भाषा में ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है और वो भी ठोस वस्तुओं के द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए संपर्त्य अवधारणा समझाते हुए हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल फिर गेड़े मारियो बोलो बच्चों जय हिंद जय।